हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल एक जो है मल्टी चैनल है और उसमें जो है बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा शायद पतंग के होंगे। तो पतंग की तो सारी वीडियो करीब करीब हमने भेजी हुई है। अभी हमारे जो लेडीज़ काम सीखने वाले हैं दोस्तों, हम उनके लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज एक जो है कमीज़ का हम गला जो है काट के दिखाएंगे और उम्मीद है कि हमारे भाइयों को अच्छा लगेगा और सीखने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, गला कैसे काटा जाता है। कमीज़ का गला जो है कटता है ना, तो कैसे काटते हैं ये देखिए। सबसे पहले कोई भी बकरम का टुकड़ा जो है ना, इतना बड़ा अगर हो, ये देखिए, कपड़े का भी रहता है, बहुत सारे लोग जो है ना बकरम का नहीं, कपड़े का ही लगाते हैं। तो आप कपड़े का भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास बकरम है तो बकरम का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे कोई छोटी बच्चियों का है, जैसे कोई 7 साल से ले कर 10 साल तक की लड़कियाँ हैं, 12 साल तक की, तो हम यहाँ से ले कर यहाँ तक 2 इंच रखेंगे हाफ, ठीक है, ये देख सकते हैं। और अगर उससे बड़ी है, जैसे 16-17 साल की और 22-24 साल, तो यहाँ से 2.5 कर लें। और अगर जैसे 30 साल से 35 साल तक के हैं, तब भी यानी 2.75। और बहुत सारी औरतें होती हैं जो उनको यानी शोल्डर एकदम पतला चाहिए, और बहुत सारी जैसे मोटी औरतें होती हैं तो ये 3 कर लीजिए चौड़ाई जो है। और बाकी अगर बहुत सी औरतें होती हैं जिनको यहाँ से शोल्डर की जो कंधी होती पतली चाहिए 2 अंगुल, तो फिर उसी हिसाब से चौड़ाई, लेकिन मैक्सिमम इतना ही रखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो काटने जा रहे हैं वो करीब ये 3 इंच वाली है, करीब जो है 50 इंच सीना होगा, ठीक है। तो उसको यहाँ से हल्का सा हम ऐसे क्रास करते हैं यूँ, ये देखिए हल्का सा ये क्रास कर देते हैं। और गला हमें जितना भी रखना है तो यहाँ से हम रखेंगे दबाव छोड़ के, और ये जैसे 8 इंच गला है तो हम ये 8 इंच यहाँ पे नापेंगे, ये ठीक है, ये हो गया देखिए निशान यहाँ पर का। और ये अब हमें कोई भी गला काटना है, आप निशान देख रहे होंगे, ये देखिए। तो हमें कोई तरह के भी गला काटना है, अगर हमें वी पे स्कालिप काटना है तो हम ऐसे कर लेंगे यूँ, ये देखिए देख रहे हैं, ऐसे करके ये देखिए ये स्कालिप आ गई, ये आपके ऊपर है। आप स्कालिप चाहते हैं, आप अगर यानी जो है कोई तरह का भी गला होगा इसी साइज़ में आपको करना है, ठीक है। वी काटना है तो वी आप ऐसे सीधा कर लीजिए, चौकोर करना है तो आप इसी तरह से ये ऐसे करके और यहाँ पास से इसी तरीके से ये चौकोर आ जाएगा। और यू अगर करना है तो इसी में आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये यू हो जाएगा, ये देखिए, यानी नाप सेम है लेकिन स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसके अंदर दूसरा गला और भी करना है तो आप यूँ किया, ये देखिए, यानी यूँ करके ये ऐसे यहाँ पास से आके थोड़ा सा ये देखिए ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। तो आप गला जो है सेम रहेगा 8 इंच, लेकिन डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है दोस्तों ये वाला जो है गला काटने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा हम काटेंगे। इसको हम जो है ये वाला गला काटेंगे, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पास से हमारे शोल्डर सिलेगा तो यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारा जो है ये देखिए ऐसा गला जो है आएगा, ठीक है, ये देखिए। उम्मीद है कि हमारी बहन और भाइयों के समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है
तो आप देख सकते हैं गला काट लिया। अब इसी को हम थोड़ा सा पट्टी को बढ़ा के काट लेते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप आधा इंच के रखिए, एक इंच की रखिए, आपके ऊपर है। चौड़ी थोड़ा सा रखेंगे ना तो कभी गला बड़ा करना होता है तो चौड़ी में थोड़ा सा आसान होता है कि दूसरी पट्टी नहीं लगानी पड़ती, उसी को खोल के हम गले को थोड़ा सा बड़ा कर लें। थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखना चाहिए तो वो अच्छा होता है। आप देखिए ये हमने गला काट लिया है, इसी प्रकार से गला जो है कटता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को समझ में आ गया होगा कि गला कैसे कटता है। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों को जो आपने मेरी वीडियो देखा, और इसी प्रकार से हम आप सभी भाइयों को सिखाते रहेंगे। तो आप लोग सीखते रहिए, और कोई भी कमी हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, और लाइक करना ज़रूर जो है मत भूलिए, और शेयर करिए। और कोई भी चीज़ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, जिसमें वो भी आके यहाँ पे लेडीज़ काम अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। आज मोड़ लाए तो गला भी दिखना चाहिए। वो भी दिखे और ये मोटा हुआ थे।
से सुनाई देते, कब सुनाई दे जाते, बोलो बिना। दोस्तों तो देखा इस तरह से जो है गला बनता है, और उम्मीद है कि हमारी सारी बहनें और हमारे जितने भी भाई सीखने वाले हैं उनके समझ में आ गए। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल में शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।